ठीक है जी हाँ। कितना कटअप रहेगा? कटअप तो 70 से प्लस रहेगा। 70 प्लस रहेगा जी हाँ। आप लोग एग्जाम दे के निकल रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो गया तो? जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। इस वक्त मौजूद है हम दरोगा एग्जाम सेंटर पे और अभ्यर्थी एग्जाम देकर बाहर आए हैं। कैसा पेपर रहा जा रहे हैं? जी हाँ। कैसा रहा पेपर? ठीक है। ठीक है जी हाँ। कितना कटअप रहेगा? कटअप तो 70 से प्लस रहेगा। 70 प्लस रहेगा जी हाँ। आप लोग एग्जाम दे के निकल रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो गया तो? पेपर लीक हो गया तब फिर कैंसिल होगा एग्जाम, और क्या। एग्जाम कैंसिल होगा, लेकिन आप लोगों को बार बार दौड़ना क्या अच्छा लगेगा? अब अच्छा तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा हाँ, इसके लिए आप गवर्नमेंट को फिर देखना चाहिए, और क्या। अच्छा अच्छा, सुधार करना चाहिए। अगर एग्ज़ाम कैंसिल, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो इस पर क्या कहना चाहिएगा कि जो आप लोग अच्छा प्राउड फील करिएगा बिहार में? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जो इतना लाखों की तादाद में नौकरियां मिल रही है, इस पर क्या कहिएगा? मिल तो रही है बिहार के वालों को, सिर्फ मिले तब तो, बाहर को भी दे रहा है, ये तो गलत है ना। ये गलत है तो बिल्कुल गलत है। बाहर तो वाले मिसाइल लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमेशा लागू रहना चाहिए और होना ही चाहिए, क्योंकि हर स्टेट जो है अपना अदर स्टेट को दे नहीं रहा है, तो इसलिए बिहार में लागू रहना चाहिए। लागू रहना चाहिए जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है? कहाँ कहाँ से? जनगणना 2011 का पूछा था। अच्छा। करेंट अफेयर भी था ही, फिर करेंट अफेयर में भूपेन हजारिका के से संबंधित पूछा था, यही सब क्वेश्चन पूछा था। ठीक था क्वेश्चन का लेवल, सही था। लेवल नहीं था, हिंदी था, इंग्लिश था। इंग्लिश और कैसा था? पैसे पैसे हाँ, पैसे में पैसेज नहीं था, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना था। अच्छा अच्छा। हाँ, पेपर यानी इजी गया है? हाँ पेपर ठीक है। ठीक है हाँ। तो आपने देख लिया, और ऑल एग्जाम रिव्यू लेके आते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।